हमें जना मुफ्त आलर करना उधर ही करूँगा कि वो आर्थिक मुफ्त जो तुम्हारा ऊपर में है जना मुफ्त आलर करना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العلي العظيم محترم المقام مرشدين الكرام وفقراء الإسلام وصدر الجلسة وحاضرين المسجد ومعظمة الجلسة उसी खुदाए अफजल के लिए सदाबहार है जो हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। वो खुदा जो कायनात का मालिक है जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो पाक परवरदिगार पालनहार जो अपने मानने वालों को भी पालता है और अपने इनकार करने वालों को भी पालता है, वो अल्लाह को जिसकी ये शान है कि जिसको वो हिदायत देता है उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। तो ये वो खुदा ताला है जिसका फजल उसके अदल पर भारी है, जिसकी रहमत हम पर छाई हुई है, तो उसने अपने बंदों पे एहसान किया। जब अल्लाह ने इंसान को इस जमीन पर भेजा तो यूं ही नहीं भेजा, आसमान को छत बनाया, जमीन को बिछौना बनाया, पहाड़ों से सजाया, आसमान को सितारों से जगमगाया, जागीर नेमतों से नवाजा। तो अल्लाह इंसान पे एहसान करते जा रहा है, अल्लाह नाशुक्री पे नाशुक्री करते जा रहा है, यहाँ तक के फातिमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक हुई। अब उम्मत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई, लेकिन इंसान भी उसी फितरत पर कायम था। तो अल्लाह ने कहा और मेरे महबूब की उम्मत पूरा नहीं होगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नाम से कहा कि कैफ महलिकु उम्मती अना फी अव्वलिहा व इज्जत मरियम फी आखिरिहा वल महदी मिन अहलि बैत फी वसतिहा, कि कैसे हलाक होगी मेरी उम्मत जिसके अव्वल में मैं हूँ, जिसके आखिर में ईसा इब्ने मरियम है और जिसके दरमियान में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अहमद की ऐसी अजमत बयान की, ऐसी अजमत बयान की कि जो लोग खुद इमाम अहमद के मौऊद अलैहिस्सलाम को अपने रूबरू अपने सामने देखते तो कह सकते है कि यहाँ सबसे प्यार या तो जहाँ वाला कुदरत तो
तो वहां से वो खेत का मालिक दौड़ता हुआ आता है और बड़े गुस्से में आता है और कहता है कि क्या मेरा आपके साथ के मुद्दों के लिए है। तो मंडी महोदय ने सलाम फरमाते है कि भाई जाओ और लाशें निकाल दो। तो वो दौड़ते हुए जाते हैं, बड़े गुस्से में जाते हैं, खबरें खोज रहे थे, परेशानी बढ़ रही थी, ना कफन मिलता है ना लाश मिलती है। तो आकर इमाम मुनाफिक सारा मामला फरमाते हैं। तो इमाम मुनाफिक कहते हैं कि बंदा हाथ देता है और खुदा हाथ देता है, तो ये सबसे मुबारक की अजमत है, तो आपकी जात की अजमत क्या होगी। एक और बात मेरे से तस्वीर को आगे बढ़ना चाहता होगा। पिछले बार में जब मकरो पाता हुआ करता था, खाना नहीं था, तो मतलब चाहे इस्लाम के पसंद भूख से रो रहे थे, दूध नहीं था, तो अपने पसंद को लाते थे, इमामुना मेहदी महमूद अलैहिस्सलाम के कदमों में रख देते थे, और बच्चा इमामुना मेहदी महमूद अलैहिस्सलाम के घोटे को चूसता था और रोना बंद कर देता था। ऐसे ही जब भी उस बच्चे को भूख लगती थी, अल्लाह ने कुछ दिया, घर में कुछ आया, पर ताज्जुब की बात थी कि बच्चा न कुछ खाता था न पीता था। परेशानी की हालत में इमाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मियां जी, अब अल्लाह का दिया हुआ घर में सब कुछ है और बच्चा न कुछ खाता है न पीता है। तो इमाम अल्लाह ने महमूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा क्यों ना हो, तुम्हारे बेटे को नूर पीने की आदत हो गई है, तो जब अंगोटे की रस्मत है तो आपकी जात की रस्मत क्या होगी। जब मैं पहले हज को आया था तो मैं काबे को देख रहा था, और जब आपके साथ हज को आया हूँ तो काबे वाले को देख रहा हूँ। अल्लाह ने हमें मेहदी महमूद अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर दिया, तो ये अल्लाह का तोहफा है, तो जब उसने ये फसल कर दिया है तो क्यों ना इसकी कदर की जाए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें सीरत रसूल और सीरत मेहदी महमूद अलैहिस्सलाम सुनने और सुनाने, समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है जनाब।